हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में आपातस्थिति में इलाज करवाने के लिए मरीज को यहां वहां भटकना पड़ रहा है। इसका ताजा उदाहरण उस समय देखने को मिला जब हमीरपुर के अणु से सांप के काटने पर पहुंचे मरीज को घंटों इंतजार करना पड़ा, क्योंकि आपात स्थिति में भी मरीज को टेस्ट जल्दी नहीं हो पाए, जिस पर मरीज के साथ आए हुए तीमारदारों ने निजी लैब में जाकर टेस्ट करवाए। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में आपात स्थिति में इलाज करवाने के लिए मरीज को यहां वहां भटकना पड़ रहा है। इसका ताजा उदाहरण उस समय देखने को मिला जब हमीरपुर के अणु से सांप के काटने पर पहुंचे मरीज को घंटों इंतजार करना पड़ा, क्योंकि आपात स्थिति में भी मरीज के टेस्ट जल्द नहीं हो पाए, जिस पर मरीज के साथ हुए तीमारदारों ने निजी लैब में जाकर टेस्ट करवाए। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के मरीजों के लिए बरती जा रही लापरवाही के चलते कई बार मरीज की जान भी चली जाती है, लेकिन फिर भी मेडिकल कॉलेज सबक नहीं ले रहा है। हमीरपुर के अणुगांव से आए हुए रामचंद ने बताया कि मेरी माँ के हाथ पर सांप ने काटा था और जब माता को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो भीड़ होने के चलते समय पर इलाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सांप के काटने पर जल्द उपचार नहीं मिलने से गहरा रोष है और मजबूरन निजी लैब में 1,000 रुपए खर्च करके टेस्ट करवाने पड़े हैं। रामचंद ने बताया कि इस तरह आपात स्थिति में मरीजों को पेश आ रही दिक्कतों को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी शिकायत करेंगे। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि आपात स्थिति में पहुंचे हुए मरीजों की देखभाल और इलाज के लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए। मेरा नाम रामचंद है, मैं अणु से हूँ, हमीरपुर कस्बा निवासी। क्या हुआ, क्या था आपके हाउस बुलाए यहाँ? मैं अपनी मदर को लेके हॉस्पिटल में आया था, उनको सांप नस्पित कर दिया था, उनके ऊपर हाथ के ऊपर सांप ने थूक दिया था। हालांकि अंदर जहाँ मैं 107 नंबर में गया, वहाँ दुनिया भर की भीड़ थी, 250-300 बंदा लगा हुआ था लाइन में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम एक ही काउंटर रखा है, हमने एमरजेंसी वालों के लिए भी और जनरल वालों के लिए भी। ये जो स्नेक बाइट है या हार्ट का कोई भी अटैक का कोई केस आ जाए तो इन फ्यूचर तो वो बंदा मर ही जाएगा। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन से या विभाग से की तरफ से अलग एक कमरा उनके लिए इमरजेंसी में बनाया जाए। कि आपने टेस्ट भी करवाया, बार कितना खर्चा है? अभी मैं टेस्ट करवा के आया, बाहर से 900 रुपया लगा उससे। हर बंदे के पास जो है वो इतनी मैनेजमेंट नहीं कर सकता है सर। तो हम चाहते हैं कि ऐसे भी गवर्नमेंट आउटसोर्स में भर रही है, कुछ अलग से कमरा लिया जाए और उसका मैनेजमेंट वो खुद करें, ताकि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें। बस बस।